लाइफ कैन बी अनप्रेडिक्टेबल। मैं अपनी लाइफ के बारे में बताने के लिए या कुछ ना कुछ बताने के लिए नहीं बता रहा हूं, आई रियली मीन इट। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एपिसोड बता रहा हूं। तब मेरी उम्र 27 साल थी। मेरी पसंद की पुलिस की नौकरी, लाइफ पार्टनर और रिस्पेक्ट सब था। आउट ऑफ नोवेयर लाइफ ने मुझे चेकमेट कर दिया। आई लॉस्ट माई वाइफ, बट मैं उसके बाद भी खुश था। एक कलीग ने मुझसे एक बार सवाल किया था, इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद भी हाउ कैन लाइफ पॉसिबली गो ऑन। तब मेरे पास एक सॉलिड आंसर नहीं था, तब एक छोटी सी हंसी से मैंने मैनेज कर दिया। टाइम हील्स एवरीथिंग यू नो, लेकिन कभी कभी वक्त भी सब कुछ ठीक नहीं कर पाता। वो एक परमानेंट घाव के जैसा है जिसे नहीं भूल सकता। अगर देखी हुई कोई बुरी बात याद रहती है तो हम उसे दो तरीके से डील कर सकते हैं, एक उस बारे में चिंता न करना और दूसरा उसके साथ जीने की आदत डालना। डोंट गेट मी रॉन्ग, लाइफ में फिलॉसफी की मैं बात नहीं करता बिकॉज इसे समझने में थोड़ा लेट हो गया। इनफैक्ट इट वॉज टू लेट। वन थिंग इज फॉर श्योर, कर्मा इज ए वेलकम टू माई स्टोरी, योर स्नेही दीपक। सर। कौन? क्या सर, मेरा नंबर डिलीट कर दिया आपने। ओह सॉरी, फोन का डिस्प्ले खराब हो गया था। क्या बात है बोलो। सर मैंने अपने बेटे के बारे में बताया था ना। सिर्फ बेटा है कहा था, लेकिन वो कैसा है, क्या करता है, कुछ भी नहीं बताया था। नाम गुरु है सर, पढ़ाई खत्म करके 3 साल से घर में ऐसे ही पढ़ा है। पूछो तो आईपीएस बनूंगा बोलकर काम पर ही नहीं जाता है सर। बहुत खुशी की बात है, ऐसे दुखी होके क्यों बोल रहे हैं। मेरी बीवी चाहती है कि वो विदेश में जाकर काम करे, लेकिन इसने तो आईपीएस ज्वाइन करने की जैसे सीधी ठान रखी है सर। लेकिन इस वक्त मैं क्या करूं, मुझे डायरेक्ट बताइए। मैं आपसे मिलना चाहता हूं, हमारा डिपार्टमेंट कितना कठिन है, कितना रिस्क है, ये आप उसे समझाइए सर। सिर्फ आप ही समझा सकते हैं उसे सर। आपकी बातों में अन्याय है, सही रास्ते पर जाने वालों को दूसरे रास्ते में जाने के लिए कह रहे हैं। सर मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मानता। इस चक्कर में मेरी बीपी बढ़ जाती है सर, अब आगे मेरी आखिरी उम्मीद है। सर आगे बोलो। वो आईपीएस बनना चाहता है, उसका इंटरेस्ट तो है, लेकिन काम पर जाना पसंद नहीं करता, इसलिए वो आईपीएस के नाम पर बस फालतू घूमता रहता है सर। सर आप ही उसे कुछ समझाइए सर। ठीक है, उसे भेज दो मेरे पास, मैं बात करूंगा। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर। सर मैं उसे भेजता हूँ सर, 2 घंटे में वो आपके घर पहुँच जाएगा सर। ठीक है। अच्छा सर, वो थोड़ा रफ टाइप का है, सीधे मुँह बात नहीं करता है, थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है हमेशा, प्लीज आप उसे जरा एडजस्ट कर लीजिएगा। कोई बात नहीं, मैं सब संभालूंगा, चिंता मत करो। ओके सर, थैंक यू सर, रखता हूँ सर। ओके। पंक्चुअल, वेरी गुड, वेलकम। मैं बहुत देर तक खड़ा नहीं रह सकता। अपोलोजीज, घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, अंदर कंफर्टेबल नहीं होगा, सो बाहर बैठकर ही बातें करेंगे। हाउ इज इट? सर काम हो गया सर। कितना पैसा देना है? 500 रुपये सर। बस 3 साल में US या UK में सेटल हो जाओगे। हो सके तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, इंडियन ब्रांच में 10 पैसे का कोई फायदा नहीं। ओके गुरु। आई नो दैट यू डोंट वांट टू लीव इंडिया,
तुम्हें आईपीएस में ज्वाइन होना है पिताजी के जैसा, और यू नो अपने पिताजी की तरह बहुत बड़ा ऑफिसर बनना चाहते हो, राइट? फाइन, जब से आया तब से मैं ही बोल रहा हूं, ये मुझे अजीब लग रहा है। आगे तुम कुछ बोलोगी ये सोचकर मैं बोले जा रहा हूं, और एल्स तुम चाय पी के जा सकते हो। आपके पैर का ये हाल कैसे हुआ सर? मैं इस तरह से चलूंगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट एनीवेज मेरा अटेंड किया हुआ लास्ट केस, उसी ने मुझे दिया ये परमानेंट गिफ्ट। आई नो, मैंने उस साइको किलर केस के बारे में बहुत कुछ सुना है। इनफैक्ट मेरे अंदर पुलिस बनने की जो चाहत है वो सर उस केस को जानने के बाद ही हुई थी। बट आई एम श्योर उसमें रहे इमोशनल स्ट्रेस और डेंजर के बारे में जानने का तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है, फिर भी तुम उसके बारे में डिटेल से जानते हो, तुम ज़रूर इस प्रोफेशन को कंसिडर करोगे। सर सिर्फ उस केस को जानने के लिए ही मैं यहाँ आपके पास आया हूँ सर, सो प्लीज़ डोंट हेजिटेट। उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इसमें कितने इंटरेस्टेड हो, उसके बारे में तुम बहुत जानते हो ये कहा था, पहले वो बताओ, उसके बाद बाकी मुझे तुम्हें बताना है या नहीं ये मैं डिसाइड करूँगा। ओके, 100% नहीं जानता। रोज इसी रास्ते से नाइट टाइम में बहुत अच्छा लगेगा। पल्लवी और रोशनी और बोथ फ्रेंड्स। ए, तूने कब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था? मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी, उसने खुद भेजी थी। अरे तेरी बात थोड़ी ना मानूंगा मैं, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही दूसरे सेकंड में ही तू उसके नजर में पड़ गया होगा। मैं इतना बड़ा भी पागल नहीं हूँ समझा? तो तूने ही रिक्वेस्ट भेजा था ये मान लेना, इतना भाव क्या खा रहा है? देख हाँ। तू मेरी बात सुन, मैंने खुद से रिक्वेस्ट नहीं भेजी, सजेशन लिस्ट में दिखाई दिया कि हम एक ही कॉलेज से हैं, सो व्हाट्स रॉन्ग? तुम तो चिल्लर हो भाई, चिल्लर चिल्लर विल्लर बोलेगा ना तो पंच मार की तरह मुंह तोड़ूंगा मैं। सुनो, इस रोड पे लेट नाइट में सिर्फ हमारी कार जाती है, ये सबको पता है समझे? कल कोई एक्सीडेंट हुआ तो हमसे ही लोग पूछेंगे और हमें ही पकड़ के ले जाएंगे, एक्सीडेंट के बारे में सिर्फ हमें ही पता है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसके बारे में कोई किसी से बात नहीं करेगा, इसे ऐसे ही रहने दो। अभी कुछ देर में ही पेपर वाला दूध वाला इन लोगों का काम शुरू होने वाला है, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बॉडी को कार में ही रखना होगा। हम लोग इसमें ना फंसे इस तरह से इस बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, समझे तुम लोग? जो गलती हमसे हुई है उससे कैसे बाहर निकलना है ये सोचो, बेमतलब डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, उल्टा और फंसेंगे। हे रुको रुको रुको, हे गाड़ी रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? घर जा रहे हैं। घर कहाँ पे है? अम्बेडकर नगर में। चलो लाइसेंस दिखाओ। क्यों, कार के अंदर बारिश हुई थी क्या जब तुम लोग भीगे हुए हो? हाँ, शीशा खुला था इस वजह से पानी अंदर आ गया। फूंको, अच्छी तरह से फूंको। ए सुनो, वो मीटर लाओ। जी सर। कितना फाइन है बताइए ना, हम दे देंगे। फाइन दोगे? पहले कार से बाहर निकलो। कितना फाइन है वो तो बताइए हमें। तुम पहले कार से बाहर निकलो। ए, सब लोग बाहर निकलो, चुपचाप बाहर खड़े होकर भीगते रहो। ए, कौन है उधर? ये पीली शर्ट, ये पीली टी शर्ट, इधर ये छाता पकड़। सर तुम्हें देखकर शक हो रहा है। सर हमने कुछ नहीं किया। कार में गांजा स्मगल कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, कार में चाबी होगी ना। चल पुलिस स्टेशन लेके चल। नहीं किया सर। चल 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 सर, बात सुनिए सर प्लीज। ए सुन, इन सब का पुलिस स्टेशन लेके आ, चल जल्दी कर, जल्दी जल्दी। सर कुछ नहीं किया सर। सर चल, हमने कोई स्मगलिंग नहीं किया सर, हम घर जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन सर प्लीज।
क्या है? ऑलरेडी हम प्रॉब्लम में फंसे थे यार, तूने नया प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। मैंने फंसा दिया तुम्हें? इस बॉडी को मैं रोड पे डाल देता हूँ, फिर तुम लोग तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है? ए, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। क्या यार? तो फिर पुलिस को क्यों मारा? ए, थोड़ी देर हम लोग और वहाँ रहते तो पुलिस हमें पकड़ लेती और हमारे फ्यूचर की वाट लग जाती, तुम्हें चलता वो? मैं बात कर रहा था, तूने उस पर हाथ क्यों उठाया? उसने हमारी गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया है। मेरी बात सुन, ट्रैफिक पुलिस वाले को मारने का बड़ा केस नहीं बनता, पुलिस हमें ढूंढने की भी तो कम से कम 3 दिन लगेंगे, 1-2 दिन में हम नहीं पकड़े जाएंगे, और गाड़ी का नंबर चेन्नई से रजिस्टर है, सही है ना? तो अभी हमारे पास 3 दिन है, इस बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, उसके बाद हम पकड़े गए तो कोई टेंशन नहीं होगी, पुलिस वाले हमको स्टेशन ले जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा 2-4 लाते मारेगी, जिंदगी भर चक्की पीसने से ये तो अच्छा ही है ना? इस बात के लिए थैंक्स नहीं कहोगे तो भी चलेगा, मगर उंगली दिखाओगे तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। लड़कों ने एक्सीडेंट किया था, ये हमने किसी रिकॉर्ड में मेंशन नहीं किया था, फिर तुम कैसे जानते हो? टिपिकल पुलिस वालों की तरह मत सोचिए सर, इसे ही फील्ड वॉक कहते हैं सर। सो डिड आई सरप्राइज यू? वेरी मच। और क्या जानते हो? बस अब आप ही बता सकते हैं। मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद इफ यू क्विट योर पुलिस ड्रीम्स ना, आई वॉन्ट बी रेस्पॉन्सिबल। देखते हैं सर। ड्यूटी कर रहे हो या फिर नींद पूरी कर रहे हो? सर सब एक एक करके उठाओ। इतनी जल्दबाजी क्यों है सर? कल रात से आपका मोबाइल ट्राई कर रहा था। हाँ, मैं मोबाइल स्टेशन में भूल गया था राजा। मोबाइल नहीं तो लैंडलाइन में ट्राई करना चाहिए था सर। लैंडलाइन बताना भूल गया, कल ही लैंडलाइन का कनेक्शन लिया। चार्जर? क्या बात है? हमारे एरिया में एक सुसाइड हुआ है सर। फांसी या पॉइजन? भारती पार्क रोड पर एक गनशॉट है सर। कौन है? लड़के का नाम कृष्णा है सर, ये रहा उसका लाइसेंस। तुम्हें किसने इन्फॉर्म किया था? एक लड़के ने, वो बाहर बैठा है, उसे लेकर आता। ए, तुम लोग लॉकअप में हो ये भूलना मत सर। नमस्ते सर। ए सुरेश, ड्यूटी पे मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है? ओके सर। ए सुरभ भाई, इधर आओ। सुनो, छत पे बहुत कचरा भरा है। वैसे कंप्लेंट देते ही गाड़ी मिल जाएगी ना सर? टेबल पर रख देता हूँ। ठीक है सर। यही है वो लड़का। ए सुबह रोड पे तूने जो कुछ भी देखा वो सब साहब को बता दे। सर मैं रोज न्यूज़पेपर की डिलीवरी करता हूँ, और उस दिन सुबह सुबह मैं डिपो जा रहा था तो देखा एक आदमी रोड के किनारे पड़ा हुआ है। मैंने पास जाकर देखा कि उस आदमी को गोली लगी हुई थी सर। तुमने कितने बजे देखा था उसे? सुबह के 4:30 बजे होंगे सर। सारी घटना का ब्यौरा मैंने स्टेशन में दिया था सर। तुम अपना एड्रेस राइटर को लिखवा के जाओ। ठीक है सर। बॉडी क्लियर कर दी है क्या? कर दी है सर, क्राइम स्क्वाड आदित्य ने वहां कर क्लियर कर दी सर। वो रेजिडेंशियल एरिया है ना, तो फालतू में लोग घबरा जाएंगे, ये सोचकर हमने जल्दी से वहाँ से क्लियर कर दिया। गुड। उस लड़के के घर में इन्फॉर्म किया है? अभी तक तो नहीं किया सर। जल्दी करवा दो सर। सर सर सर, एक मिनट बाहर आइए सर। क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं सर, स्पॉट पे इसने एक व्हाइट कार देखी थी, वो सेम कार हमारे पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी थी, इसे देखते ही वो कार यहाँ से निकल गई सर। कौन सी कार? हम बाहर गए तो कोई कार नजर नहीं आई सर।
अपना मोबाइल दो। हेलो आदित्य। कौन बोल रहा? आदित्य, दिस इज दीपक हियर। मैं कांस्टेबल के फोन से कॉल कर रहा हूँ। सॉरी सर, आज सुबह से ही मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था सर, लेकिन आपका मोबाइल। आई हैव वेरी बैड मेमोरी, मोबाइल पुलिस स्टेशन में भूल गया था। ओह, कभी कभी ऐसा होता है सर। या इसलिए मैंने कॉल किया था। पोस्टमार्टम हो गया? नहीं सर, रिपोर्ट तैयार होने में शाम हो जाएगी, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। मैं आपको कॉल करता हूँ सर। अच्छा सुनो, राजन उसे सुसाइड कर रहा है। टू वॉट एक्सटेंट? क्या? बिकॉज पार्क के पास उसने खुद को गोली मारी है, ये कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? जिस मरे हुए आदमी का फिंगरप्रिंट उस गन पे था, वो भी बारिश में फेड होकर मिला था सर। सो ये सुसाइड भी हो सकता है, ऐसा कह सकता हूँ, बट वी आर नॉट श्योर। ओके बाय, मैं अभी स्पॉट पे जा रहा हूँ और अगर वहाँ जाने के बाद मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉल करूँगा। श्योर सर। और हाँ, आज पूरा दिन ये मोबाइल यूज करूँगा, सो नेक्स्ट टाइम कौन है ये मत पूछना। यहाँ क्या है? सर वहाँ पे सर, कट रोड पे। तो फिर पुलिस का बंदोबस्त? नहीं सर, बेकार में लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी, इसलिए आदित्य ने मना कर दिया। पानी लाना, गाड़ी को उसने यही देखा था ऐसा कहा था? सर जब हम लोग यहाँ आए तो यहाँ कुछ भी नहीं था सर, इस मामले में ज़्यादा कुछ बताएंगे तो अवार्ड मिलेगा ये सोचकर फालतू में कुछ ज़्यादा ही बक दिया था सर। मीडिया वालों को पता है क्या? नहीं सर, अभी तक तो किसी को नहीं बताया। FIR करवाने वाले न्यूज़पेपर वाला है? हाँ सर। लीक आउट हो जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं सर, मैं संभाल लूँगा ना। गौतम, इधर से गाड़ी साफ करो जरा। ओके सर। सर सर, ये सब कुछ किसने किया ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे तीन लोगों पर पूरा शक है सर। कौन तीन? सर वो तीनों इसी एरिया के हैं, रोज लेट नाइट इसी रोड से जाते हैं, मैंने उन्हें बहुत बार देखा है सर। वो लोग काफी पैसे वाले हैं, उनके पास गन भी होती है, अक्सर वो लोग शराब पीते हैं सर। उन तीनों का इस केस से संबंध हो सकता है, अगर हम लोग उनसे पूछताछ करेंगे तो हमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। ऐसा क्यों लग रहा है? मेरी गट फीलिंग है सर, आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन मेरा इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है सर, एक बार भरोसा कीजिए। और अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो? लेकिन सर अगर मेरा इंट्यूशन सही हुआ तो उन लोगों के जरिए हम कातिल तक भी पहुंच सकते हैं, एक बार आप चांस तो लीजिए सर। बट ये एक सुसाइड केस है और चांसेस ऐसा है जैसा क्राइम ब्रांच कह रही है। कम ऑन सर, किसी को भी गोली मारकर उसके हाथ में बंदूक दे देना, इट्स एन आउटडेटेड टेक्निक। इन दैट केस हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, हम उसे कैसे पकड़ेंगे? सर मैं जानता हूँ कि मैं लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन ये सब कुछ आपसे कहना जरूरी था सर। अगर हाथ में हथियार हो और सामने दुश्मन आप पर वार कर रहा हो तो बेहतर यही है कि हम उस हथियार का इस्तेमाल करें सर। सुनो, पुलिस स्टेशन में जो काम दिया गया है ना, सिर्फ उतना ही करो, ज्यादा नहीं। नाम क्या तुम्हारा? गौतम सर, कल ही मैंने पुलिस स्टेशन को ज्वाइन किया है सर। नए दो लोगों ने ज्वाइन किया लेकिन मैं मिल नहीं पाया। राजन सर, स्टेशन कॉल करो और किसी को स्पॉट पे भेजने के लिए बोलो। ठीक है सर। गौतम अब से हमारे साथ ही रहेगा। थैंक यू सर। यही घर है क्या? कंफर्म है ना? हाँ सर, कंफर्म किया है, यही घर। लेट्स गो देन। कार को अच्छे से चेक कर लो। हम अंदर आ सकते हैं क्या? तुम्हारे घर में क्यों आया हूँ जानते हो? नहीं जानते। बगल वाली गली में कल रात को एक डकैती हुई थी, लुटेरों ने मालिक को गन दिखाकर धमकी दी। हमारे पास कोई गन नहीं है। मैंने नहीं पूछा, लुटेरे तुम्हारे घर में छुपे हो सकते हैं देखने के लिए आए हैं, नथिंग मोर। लेकिन ये घर किसका है? मेरे नाम पर है। तुम्हारे नाम पर? नाम क्या है तुम्हारा? फैबियन। और तुम दोनों? सर मैं मेलविन और ये मनोज है सर। इतने बड़े बंगले में अकेले ही रहते हो क्या? नहीं सर,
महीने में एक बार इसके पापा भी आते हैं और मेंटेनेंस के लिए कुछ लोग भी यहाँ पर रहते हैं। और तुम लोग करते क्या? MBA, सेकेंड ईयर। सर नाम का शब्द इस्तेमाल नहीं करते हो? करता हूँ सर। एनीवेज, अभी थोड़ी देर के लिए इस घर के मालिक हम लोग हैं। गौतम सो इस बंगले के आसपास कोई चोर छुपाए या फिर कोई खिलौने वाली गन रखे हुए है, जल्दी से चेक करके आ जाओ। सो कुछ भी नहीं मिला। सब कुछ चेक कर लिया सर, अंदर तो कुछ भी नहीं मिला। देखिए वो तो लॉक है सर। चाबी दो। सर हम लोग नाइट में लेट आए थे, चाबी कहाँ रख दी है पता नहीं सर। घर में होगी, कहाँ जाएगी, जल्दी से लेके आओ। सर ढूंढने में टाइम लगेगा सर। अंदर जाओ, चाबी लेकर आओ। सर पता नहीं कहाँ रखी है, पता नहीं कहाँ रख दिया सर। मतलब मर्डर और इन लड़कों का कोई संबंध नहीं लग रहा है, लेकिन ये लड़के हमसे कुछ छुपा रहे हैं ये जरूर लग रहा है। तुम्हारा आइडेंटिशन क्या कहता है गौतम? इन तीनों पर नजर रखने की जरूरत है सर। गुड, डू इट। एजी कौन है? हमारा हेड कांस्टेबल है सर। गाड़ी जरा साइड में रखो। हाँ बोलो, पर कब? ठीक है, एड्रेस बोलो। जी सर, ठीक है सर। स्टेशन में पहले फोन किसने किया था? सर मैंने किया था, श्रुति का नेबर गणेश, फ्लैट 2B में रहता हूँ। आपने पहले देखा था? संभाल कर लाओ। नहीं सर, अपार्टमेंट के अंदर नहीं आया था मैं। 7 बजे श्रुति के फ्रेंड ने दरवाजा खटखटाया था और फिर उसने कहा कि श्रुति के रूम में ब्लड है और वो वहां से गायब है। ये सुन के मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और फिर मैंने पुलिस को फोन किया सर। तुमने कितने बजे स्टेशन में कॉल किया था? मैंने 7:30 बजे कॉल किया था सर। वो कह रहे थे 5 मिनट में आ जाऊंगा, लेकिन मुझे 2 घंटा वेट करना पड़ा सर, इसीलिए मैंने उन्हें 15 मिनट के बाद रिमाइंड भी किया था सर। ये क्या है राजन, 7:30 को फ़ोन किया था और हमें इन्फॉर्मेशन इतने लेट क्यों मिली? गौतम भी तो नया है, उस कॉन्स्टेबल को कॉल करो। सर उसका नंबर मेरे पास नहीं है। नंबर नहीं है ऐसा एक्सक्यूज़ मुझे मत कहना। जना को फ़ोन करके बोलो मैं उससे बात करता हूँ। नाम? वैष्णवी सर। क्या हुआ था जरा अच्छी तरह से बताओ। श्रुति
इस घर की चाबी हमेशा तुम्हारे पास रहती है क्या? हाँ सर, वीकेंड में मैं हमेशा चेन्नई आ जाती हूँ। आने का टाइम चेंज हो जाता है, इसलिए एक चाबी हमेशा मेरे पास रहती है। चेन्नई में क्या करती हो? CTS में प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटिव हूँ सर। बस का टिकट है क्या? ऑनलाइन बुकिंग सर। श्रुति से तुम्हारा क्या रिलेशन है? फ्रेंड हूँ सर, उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड। श्रुति से लास्ट तुमने कब बात की थी? कल शाम को सर। तुमने क्या बताया था तुम इस घर में कब आई थी? असल में 6:30 बजे मैं यहाँ पहुँची थी सर, पर घर पहुँचते पहुँचते तकरीबन 7:45 बज गए होंगे। श्रुति के मोबाइल पर कॉल करो। स्विच ऑफ है सर। राजन। सर। क्या हुआ? सर उसे कॉल किया था पर उसने उठाया नहीं। मिस कॉल देख के वो कॉल तो वापस करेगा। कोयम्बतूर में आपके रिलेशन में कोई है क्या? कोई नहीं है सर। मिस्टर गणेश को तुम जानती हो क्या? नहीं सर, मैंने इनसे बस 2 या 3 बार ही बात की है। क्योंकि इस घर के अंदर किसी को अलाउ नहीं कर सकते, तो मैं रिफ्रेश होना हो तो उसके घर में। या नो प्रॉब्लम सर। मिस्टर गणेश जी, इफ यू डोंट माइंड, इन्हें एक दिन के लिए तुम अकोमोडेट कर सकते हो क्या? ठीक है सर, हो जाएगा। अभी तक हमें कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं दिख रही है। हम जब तक थोड़ा रिजॉल्व नहीं कर लेते तब तक तुम्हें कोयम्बतूर में ही रहना होगा। तो मैं कोई और स्टे अरेंजमेंट करके देता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। या ओके। अरे चलो चलो। गौतम कहाँ? चलो जरा। ऊपर वॉचमैन से बात कर रहा है सर, मैं बुलाता हूँ उसे। गौतम। सर। वॉचमैन को बुलाओ। बाकी के घरों में तुम इन्वेस्टिगेट करते रहो, क्राइम ब्रांच से मैं किसी और को भेजता हूँ। ओके ओके सर। सर मैं इस कंपाउंड का चक्कर लगा के आता हूँ। ओके। गुड मॉर्निंग सर। तुम नाइट शिफ्ट में हो या डे शिफ्ट में? नाइट शिफ्ट सर। तो तुम नाइट शिफ्ट में इस अपार्टमेंट में रहे होंगे? जी जी सर। यहाँ बहुत घर है, सबको याद रखना बहुत मुश्किल है। जरा सोच कर बताना श्रुति कितने बजे घर गई थी। श्रुति कितने बजे घर गई ये तो मुझे पता नहीं सर, लेकिन मेरी ड्यूटी पर आने के बाद श्रुति जी की गाड़ी नीचे खड़ी थी। तुम कितने बजे आए थे? सर सिक्योरिटी साहब को मत बताइएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। त्योहार में गांव गया था सर, तो सुबह 5 बजे आया था। डे शिफ्ट वाला वॉचमैन कितने बजे गया था? वो 8:30 बजे चला गया था सर। इस अपार्टमेंट में सिक्योरिटी कैमरा है क्या? सिक्योरिटी कैम वो पार्किंग लॉट में कैमरा फिक्स होता है ना? सर स्टेशन से फोन आया सर, वो नया कांस्टेबल। तुम जाओ। जी सर। कौन है? सुरेश है सर, नया कांस्टेबल। सुरेश। गुड मॉर्निंग सर। अभी तुम काम पर नए ज्वाइन हुए हो, यहाँ का एटमॉस्फेयर नया है, कम उम्र है, ये रीजन होने के कारण से किसी ने फोन करके कंप्लेंट किया तो अपने हायर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म ना करना, ये किसी रूल्स में नहीं है सुरेश। माफ कीजिए सर, मुझे लगा कि ये फेक कॉल है सर। फेक कॉल? सीरियस मैटर को भी बहुत मस्ती से बोल रहा था सर, इसलिए लगा मुझे। लिसन केयरफुली मिस्टर सुरेश, यहाँ नेटवर्क कैसे काम करता है, यहाँ किसी ने इमरजेंसी कहकर कॉल किया तो हमारे स्टेशन में नहीं जाएगा, सीधा कंट्रोल रूम में जाएगा। कंट्रोल रूम से वो लोग कंप्लेंट को रिसीव करके हमारे स्टेशन में इन्फॉर्म करेगा। कंट्रोल रूम में रहने वाले सीरियसनेस को नहीं जानते हैं, सो सबको मस्ती में ही ले लेते हैं सुरेश, समझ गए? सॉरी सर, मैं एक्चुअली मैं अभी अभी मैंने ज्वाइन किया है, इसलिए मैं समझ नहीं पाया। आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके, थोड़ा बेसिक्स जान लो। ओके ओके सर। हाँ वन मोर थिंग। यस सर। अच्छी तरह से सोच के बताना, और कोई की पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें मिला है क्या? सर इस वक्त क्या आप सूर्या अपार्टमेंट में श्रुति मैडम के घर में हैं? वो लड़की कल हमारे स्टेशन में आई थी। और फिर उसने एक लड़के के खिलाफ ईव टीजिंग का केस भी दर्ज करवाया था सर। एड्रेस क्या था? सर उन्होंने घर का एड्रेस तो नहीं बताया, लेकिन हाँ ये जरूर बोला था कि वो अम्बेडकर नगर में रहती है सर। कौन है सर? 10 दिन पहले उस लड़की ने अपनी स्कूटी को लाकर हमारी गाड़ी पर ठोक दिया था, उसके बावजूद हमने सॉरी बोला था और हम वहां से चले गए थे। उस दिन उससे फर्स्ट टाइम मिले थे। वो फास्ट थी या तुम लोग फास्ट चला रहे थे? हम लोग नहीं सर, वो लड़की ही फास्ट चला रही थी। देखने में तो तुम लोग शरीफ लगते हो, फिर भी तुम्हारे खिलाफ ईव टीजिंग की कंप्लेन हुई। आखिरी बार उस लड़की को कब देखा था?
10 दिन पहले एक घटना घटी थी सर। सर पहले आप ये बताइए कि हमें पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया है। गुड, फाइनली तुमने सर शब्द का इस्तेमाल तो किया। तुम्हारे घर के सामने वाले सूर्य अपार्टमेंट में रहने वाली श्रुति मिसिंग है। कंप्लेन बुक लाना। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अम्बेडकर नगर के मनोहर नाम के लड़के पर ईव टीजिंग की कंप्लेन हुई थी सर। सो आई थिंक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये रीजन काफी है। पूरे एरिया में यही एक मनोज है क्या? हाँ सर, मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अम्बेडकर नगर की वोटिंग लिस्ट चेक कर लो। एक ही नाम है, तुम्हारा दोस्त मनोज। ये कैसे यार, मनोज ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अपना मोबाइल देना जरा। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई सर? चार्ज नहीं हुआ, स्विच ऑफ हो गया, और सॉकेट में लगा दो। हेलो आदित्य। प्रोसेस हो रहा है सर, इट विल टेक सम टाइम। नहीं वो नहीं, एक स्मॉल केस। व्हाट? इस एरिया में एक लड़की मिसिंग है और उसके बेडरूम में खून के छींटे मिले हैं। सो वी सस्पेक्ट इट्स अ क्राइम सीन, तो तुम तुरंत जाकर उस जगह को सील कर दो। सर अभी तो ये केस भी क्लियर नहीं हुआ है। इट्स अ टायरिंग डे फॉर एवरीवन, लेकिन क्या करें। एड्रेस क्या सर? एड्रेस मैं अभी फैक्स करता हूं। स्पॉट पर गौतम रहेगा तो तुम उससे कोऑर्डिनेट करना। ओके सर, डन। ओके। सर कुरियर। सर मिस्टर वाना बे पुलिस, इसके बाद केस कैसे ट्रेवल करेगा, इसका कोई आइडिया है क्या? सर केस तो कॉम्प्लिकेटेड है, शक की सुई किधर जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। रियली? क्लाइमैक्स जान लेने के बाद फिल्म देखना बहुत बोरिंग लगता है। हमेशा तो नहीं, लेकिन आप भी ठीक कह रहे हैं सर। ओके, आदित्य को कॉल करके बताने के बाद उन तीनों लड़कों को पुलिस स्टेशन में बैठे रहने के लिए बोलकर मैं बाहर आया। वहाँ मुझे मर्डर केस का फर्स्ट लिंक मिला, पिस्टल के अंदर वाला बुलेट 9mm, ये पुलिस वाले ही इस्तेमाल करते हैं। सुरेंद्र तुम जरा देखो, मैं आता हूँ। हेलो सर। क्या हुआ? इट्स सिंपल बट कॉम्प्लिकेटेड। घर में झगड़ा हुआ या चोरी कुछ पता नहीं चल पा रहा सर। सिर्फ दीवार पे खून के धब्बे मिले हैं। मुझे श्रुति की कंपनी का आइडेंटिटी कार्ड मिला था सर। इनफैक्ट श्रुति का बर्थ डेट। नाउ हियर कम्स टू कॉम्प्लिकेशंस। श्रुति के आइडेंटिटी कार्ड में जो ब्लड ग्रुप है वो ओ पॉजिटिव है, लेकिन दीवार पर जो ब्लड ग्रुप था सर वो बी पॉजिटिव है। सर दूसरे केस का क्या हुआ? नहीं नहीं मैम, मैं बैठ सकता सर प्लीज? What happened, sir? 70% लड़कियों का प्रॉब्लम रिलेशनशिप ही होता है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करना चाहिए। कर लिया सर। ये ऐसा ही है, कभी कभार सरप्राइज देता ही रहता है। तो बोलिए गौतम सर, क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है? सर इस अपार्टमेंट के सभी लोगों से मैंने क्वेश्चंस किए हैं, सबका एक ही कहना है कि श्रुति घर में अकेले रहती थी, उसके पेरेंट्स या गार्डियंस कोई नहीं है, लेकिन उसके कमरे में एक लड़का अक्सर आता जाता था। जब उसके फ्लैट के सामने रहने वाले अंकल ने उससे इस लड़के के बारे में पूछा तो उसने कहा कि ये उसका मंगेतर है। उस आदमी के अलावा उस लड़के को इस अपार्टमेंट में किसी ने नहीं देखा था। सो वी हैव अ मिस्ट्री बॉयफ्रेंड हियर। लड़के का नाम कृष्णा है सर, ये रहा उसका लाइसेंस। आदित्य दीवार पर लगे हुए ब्लड का ब्लड ग्रुप क्या है? बी पॉजिटिव सर। सर बैक साइड। बुजुर्ग आदमी ने श्रुति से पूछा था, उसके अलावा उस अपार्टमेंट में कोई कुछ नहीं जानता था। एक्सक्यूज मी, क्या आप इसे जानते हैं? आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक इट्स हिम। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी श्रुति की क्यों हुई कंप्लेन, वो लड़का कौन है? सर और मनोज श्रुति के विषय में वो लोग झूठ बोल रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा है। उन लोगों ने जो भी आंसर्स दिए वो कन्विंसिंग है।
क्राइम ब्रांच वाले यहाँ आ गए, अब तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। ओके सर। अम्बेडकर नगर जाकर यहाँ अपार्टमेंट में तुमने जो किया है वो काम वहाँ करो। आई विल ड्रॉप यू। सर मेरी कैब वहीं पर छूट गई। हाँ, आई फॉरगॉट माय कैब सर। कम ऑन क्विक। तुम 90s के बच्चे हो, तुमने जरूर मारियो गेम खेला होगा, करेक्ट? यस सर। उसमें गेम के स्टार्टिंग में 3 लाइफ्स होती हैं, बट बाय लक किसी एक जगह पर जंप करेगा, वहाँ एक मैजिक प्रिक्लेयर से एक लाइफ आएगी, एक्स्ट्रा लाइफ, जानते हो? लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। जरूर मिलेगा, वैसा ही सब केस में भी एक मैजिक प्रिक्लेयर होगा, तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद तुम्हारे पास आएगा। नहीं नहीं यार, अरे कैमरा दो, अरे शूट करना हमें, हम नहीं देंगे। अरे भाई कैमरा वापस कर दो। अरे वापस करो। अरे क्या बताऊं सर, इस फ्लैट में फैमिलीज रहती हैं सर, ये बोल रहे हैं कि ये शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, ऐसे कैसे जाने दो सर, ये लीजिए सर आप। क्या ये सर, हम शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है। ये रेजिडेंशियल एरिया सर, जैसा उसने कहा हम वैसा डिस्टर्ब नहीं कर रहे सर, वो तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है सर, कल हमारा कॉम्पिटिशन है सर, कल एडिट करना है, सारी फुटेज इसी में है सर, इसे सर, सर, हम कंपटीशन के लिए 6 महीने से मेहनत कर रहे सर, कैमरा कब मिलेगा ये तो बताइए। यू नो गौतम, सब घर में पूछताछ करो, एक छोटा सा भी डाउट हो तो मार्क करके रख लो। इज दैट क्लियर गौतम? बिल्कुल सर। सर मैं गौतम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो गौतम। श्रुति ने मनोहर के बारे में क्या कंप्लेंट की थी सर? उस लड़की को वो सड़क पर रोककर उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, तो लड़की ने उसे वहीं पर गाली दी और सीधा पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेन की, समझे? ओह ओके सर। सर कृष्णा के पिताजी हैं सर, लड़का मिसिंग है, उसकी कंप्लेन लिखवाने आए। सुबह ही इन्फॉर्म करने को कहा था। सर लाइसेंस तो आपके पास था, एड्रेस नोट नहीं किया था। ये कोई रीजन है क्या राजन? ठीक है उन्हें अंदर बिठाओ। सर सर आप थोड़ा अंदर जाके वेट कीजिए। जी सर, आपको छुट्टी के लिए कहा था। तुम लोग राइटर को अपना मोबाइल नंबर देके जाओ। मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, हम लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं। हाँ सर आप अंदर आइए और बैठिए। जी हाँ, ध्यान से सुनो, मुझे उस वाले केस की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। हेलो, आपने कंप्लेंट लिखवाई है? हाँ। बोलिए। मेरा नाम श्रीराम है, मेरा बेटा रोज 9 बजे के पहले घर आ जाता था सर, लेकिन कल से उसका कुछ पता नहीं है। लेट होने पर इन्फॉर्म ज़रूर करता था, इस बार कुछ अता पता नहीं है। उसकी माँ बहुत चिंतित हो रही है, यही आपको बताना चाहता था सर। सर ये उस लड़के का बाप है? मैं भी पुलिस सर्विस में था, दिल्ली में पोस्टिंग थी, 5 साल पहले रिटायर होकर यहाँ चेन्नई में सेटल हो गया। सॉरी बिना सैल्यूट किए बैठ गया। अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप वो कैसे लेंगे समझ में नहीं आ रहा है। आपके बेटे को किसी ने गोली मार दी, हिज डेड। कब? आज सुबह। लेकिन क्यों, किस लिए? पता नहीं, खोजबीन जारी है। जिसने अपने जवान बच्चे को खो दिया हो, उस बाप को देखना उससे ज्यादा डिप्रेसिंग और कुछ नहीं हो सकता। इकलौता बेटा था मेरा, अपनी बीवी को कैसे समझाऊंगा, समझ में नहीं आ रहा है। राजन, आदित्य अगर फोन करे तो लैंडलाइन पे फोन करने के लिए बोलना। नंबर सर? 2485127। ओके सर। तुम सबके नाइट ड्यूटी है ना? हाँ सर। सर आपका मोबाइल ठीक हो गया? चार्ज हो गया होगा, घर में जाके स्विच ऑन करके देखते हैं। आज सुबह स्पॉट में रहने वाले लोग कल शाम को आएंगे तो चलेगा। ओके सर।
नमस्ते दीपक। हेलो सर, ऑल गुड? या आपके घर के सामने कोई बहुत देर से इंतजार कर रहा था। कौन? नो आइडिया, ए यंग मैन। इवनिंग 6 o'clock रहा होगा, मैंने वॉक करते समय उसे देखा था, उसके बाद वो कहाँ चला गया मालूम नहीं। ठीक है, कल देख लेंगे। गुड नाइट सर। गुड नाइट। हेलो सर, मैं राजन बोल रहा हूँ सर। यहाँ पर 2 कॉलेज स्टूडेंट्स आकर अपना कैमरा लेने के लिए बैठे हुए हैं। आपने उन्हें कहा था कि आप इवनिंग में उन्हें लौटा दोगे। ओह, मैं भूल गया था, कार में है राजन, उन्हें बोलो कि कल आकर ले जाए। ठीक है सर। सर उन लड़कों को कैमरा आज ही चाहिए सर, वो किसी कंपटीशन के लिए पिछले 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो सारी फाइल्स उसी में, इसलिए वो थोड़ा चिल्ला रहे हैं सर। आप ही बताइए क्या करूं सर। ठीक है, उनसे बोलो कि मेरे घर आकर ले ले। ओके सर। कम इन। किस कॉलेज से? केएलएम सर। कौन सी फिल्म है, क्या किया है? बेस क्या है? फ्रिकॉटी डिल्यूशन एंड कंडीशन बेस है सर। और प्रदीप? प्रदीप। कल कंपटीशन है और तुम लोग कह रहे हो कि फिल्म सारी कैमरे के अंदर है, इसके बाद भी बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है ना। फाइनल एक टारगेट लिया है सर, सेफ्टी के लिए हम अल्टरनेटिव शूट कर रहे थे। जो भी हो, इस तरह अगर कैमरा हाथ में लिया तो दोबारा वापस नहीं मिलेगा, जानते सर। वापस दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमने किसी लड़की को शूट नहीं किया है, सिर्फ अपने फिल्म ही शूट की है, इसकी क्या गारंटी? सर कल रात को हमने सिर्फ 4 शॉट लिए थे सर, और शूट करना चाहते थे लेकिन वॉचमैन आ गया सर। आप चाहते हैं तो हमने जो शूट किया है आप देख सकते हैं सर। तुमने क्या कहा था, चेन्नई से कितने बजे आई थी? असल में 6:30 बजे मैं यहाँ पहुँची थी सर, पर घर पहुँचते पहुँचते 6:30 या 7:45 बज गए होंगे। ठीक है, मैं रेडी हूँ यार। व्हाइट कार थी सर, मुझे अच्छे से याद है। ये फिल्म कितने बजे शूट की थी? 11 बजे सर। अपार्टमेंट में जाने का टाइम? हाँ, 10:30 को ही गए थे वहाँ, आधा घंटा शूट करके बारिश ज्यादा होने लगी तो हम 11:10 को वहाँ से निकल गए थे सर। तुम लोगों के आते समय वो गाड़ी वहां थी क्या? हाँ था सर। वो कार्ड निकालो। उस लड़की के अलावा उस फ्लैट में कोई और भी गया था क्या? सर जब हम शूट प्रिपेयर कर रहे थे एक आदमी आया था। उसका फोटो वीडियो कुछ है क्या? शायद मेकिंग में आया हो, तू उसे फोन कर, जल्दी नहीं उठाएगा। ठीक है, तू ट्राई करते रहे। अरे तू फोन कर राजन। यस सर। गौतम का कॉन्टेक्ट नंबर दो। एक मिनट सर, नोट करेंगे सर। हाँ, 995 288 5733 288 and one more thing, तुम गलत मत समझो, कल शाम को नहीं सुबह पुलिस स्टेशन आ जाना। ओके सर, हम पहुंच जाएंगे सर। वो नंबर इसमें डायल करो।
नाइस रिंगटोन। हु इज दिस? माय मिस्टेक। पहले दिन मेरी आवाज पहचान लोगे ऐसा सोचा था। सॉरी सर, फोन पर वो वॉइस अलग लगती है ना सर। इट्स ओके। उस एरिया में पूछताछ की? सर मैंने हर एक आदमी से पूछा, लेकिन हमारे स्केच के हिसाब से हमें वहाँ कोई नहीं मिला। तो उस नाम से कोई और है क्या? सर 10 नंबर के घर में एक 86 साल का मनोहर नाम का बूढ़ा है, लेकिन सर वो ईवटीसिंग कैसे करेगा? मैं पहले दिन तुमसे कुछ ज्यादा काम ले रहा हूँ, इससे दुखी तो नहीं हो ना? नहीं सर, एक्चुअली मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि ये केस मुझे मिला है। एक्सलेंट। तो आइंदा तुमसे ओवर टाइम लेने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है ना? सॉरी सर। कुछ नहीं, यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्लू मिला है, उसका ओपिनियन पूछने के लिए तुम्हें फोन किया था। तुम घर में आ जाओ। ओके सर, मैं 20 मिनट में आपके पास पहुंचता हूं। मेरा एड्रेस। कैमरा मिलेगा कि नहीं आज पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। सर एड्रेस। रूल नंबर 1, एक्साइटमेंट में खास बातें मिस नहीं होनी चाहिए। ओके श्योर सर, टेक इट डाउन। नंबर 3, 4th स्ट्रीट, रामनगर। ओके सर। सर सिविल या यूनिफॉर्म में हूं? सिविल इज फाइन। ठीक है सर। तुम दोनों में से किसी को पुलिस ज्वाइन करने की इच्छा है क्या? नो सर। उस वक्त तुम दोनों लड़कों का रिएक्शन देखने काबिल था। एक क्लू मिलने से मैं हाइपर हो गया था, मुझे देखकर वो बच्चे डर गए थे। योर टी इज गेटिंग कोल्ड। आई नो, मैं ठंडी चाय ही पीता हूँ सर। इस वीडियो से क्या क्या जानकारी इकट्ठी की? सर वैष्णवी लगता है हमसे कुछ छुपा रही है सर। अपार्टमेंट के बाहर खड़ी कार पर तुम्हें कोई डाउट नहीं है? बस न्यूज़पेपर वाले ने एक व्हाइट कार देखी थी ऐसा उसने कहा। आई थिंक इट्स टू अर्ली सर, उस अपार्टमेंट में किसी और की भी गाड़ी हो सकती है सर। अपार्टमेंट की गाड़ी होती तो वो बाहर पार्क क्यों करता? पॉइंट। आई डोंट ड्राइव इन द नाइट। वैष्णवी को बुलाओ। वैष्णवी वॉकिंग पे गई है सर। अभी 10 बजे हैं, अभी वॉकिंग पर गई है। आई थॉट इट्स 9 सर, अभी थोड़ी देर पहले ही गई थी सर, आज पूरा दिन डिस्टर्ब थी वो, इसलिए वो कह रहे थे कि वॉकिंग पे जाऊंगी तो थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी। ठीक है, उसका मोबाइल नंबर दो। मोबाइल नंबर 944239443555521। हेलो वैष्णवी। हेलो। या इंस्पेक्टर दीपक। क्या हुआ सर, वैष्णवी का कुछ सामान अंदर है क्या? वो एक ही बैग लेके आई थी, वो अंदर है। चेन्नई के लिए लास्ट बस कितने बजे की है? 1:10:15 पे है, 1:30 की है सर। चलो। आपके घर के सामने कोई बहुत देर से इंतजार कर रहा था। कौन? इसलिए वो कह रहे थे कि वॉकिंग पे जाऊंगी तो थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगी। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक इट्स हिम। 10 दिन पहले उसकी स्कूटी हमारी गाड़ी से टकराई थी, गलती हमारी थी, हमने सॉरी कहा तो वो चली गई थी। लास्ट टाइम उस लड़की को कब देखा था? 10 दिन पहले मुझसे टकराई थी। अपार्टमेंट वाले की गाड़ी होती तो गाड़ी बाहर पार्क क्यों करता है? पॉइंट। सर उसने किसी और नाम से टिकट बुक की होगी, अगर हम उसका मोबाइल नंबर ट्रैक करें तो उसे सुबह तक हम पकड़ सकते हैं। यस सर। TN36AW7436। इस कार की सारी डिटेल्स कलेक्ट करके बताओ। इस स्टेज पर तुम्हें किसी पर कोई डाउट है क्या? लेकिन सर ये तो सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है सर। कोई बात नहीं, बताओ।
अंबेडकर नगर में एक इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं गया था। वहाँ के 70% लोग एक लड़के के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे थे, फैबी। वहाँ के कुछ लोग उसे बदमाश बोलते थे तो कुछ उसे कैरेक्टरलेस समझते थे। अगर मेरी थ्योरी सच है तो श्रुति ने जो कंप्लेंट की थी वो फैबिन के खिलाफ थी। वो तीनों हमेशा साथ में घूमते थे, इसीलिए नाम को लेकर कंफ्यूजन बढ़ गया था सर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। जितने भी क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वो अपना डर्टी सीक्रेट्स किसी और से शेयर नहीं करते, और इस केस में भी उन तीनों ने ऐसा ही किया होगा सर। यही मेरा एक्सपीरियंस कहता है सर। Hey, stop, stop. इस वक्त तुम कहां जा रहे हो? स्टेशन सर। चेहरे पर चोट कैसी? ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग मुझे कुछ बताओगे? हर चीज का एक्सप्लेनेशन देते हो, अब ये भी बताओ। ए, मैंने पहले तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम घबराना छोड़ दो। जैसा तुम सोच रहे हो ना, उतना ये काम सीरियस नहीं है, समझे? देखो अभी मैं बताता हूँ, बीच में मत बोलना और मेरी बात ध्यान से सुनना। हमने जो एक्सीडेंट किया वो किसी और ने देखा था क्या? देखा था कि डिक्की लॉक हुई थी या नहीं? तो हमारे गाड़ी को फॉलो करके हमारे घर के अंदर जाने के बाद किसी ने ड्राइवर सीट के बगल का लीवर खींच के डिक्की ओपन की, और वो बॉडी को लेके हमसे पैसे निकालने का सोचा होगा। या शायद उसे लगा होगा कि क्यों ना ये सारी बातें मैं पुलिस को बता दूं। भैया मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। हमारे घर में पेपर नहीं चाहिए, बोला था ना। अरे नहीं भैया, पेपर के बारे में नहीं, कल तुम तीनों की फोटो पेपर में आने वाली है उसके बारे में। अरे भैया आप लोग खड़े क्यों, बैठिए ना, बैठ जाइए। तुम्हें क्या बात करनी है बताओ। वो क्या है कि जब आज सुबह मैं पेपर डालने निकला तो एक व्हाइट कलर की गाड़ी मैंने देखी थी, और तभी कार के ब्रेक मारने की आवाज सुनाई दी। जब मैं उस आवाज के पीछे पीछे गया तो मैंने देखा आप जैसे तीन लड़के उस कार में थे। उन तीनों ने उस लाश को उठाया, डिक्की में डाला और वहां से वो चले गए। वो पेपर वाला बहुत अच्छा आदमी है, ये बातें पुलिस को तो नहीं बताएगा वो, लेकिन अगर मैं होता ना तो पुलिस को जरूर बताता। वैसे इस बात को पुलिस को बता के कोई फायदा नहीं होने वाला, फालतू में वो तीनों जेल में चले जाएंगे और पेपर वाले को कुछ मिलेगा भी नहीं। जवान लड़कों को जेल में डाल के आखिर किसी का क्या फायदा होगा? लेकिन अगर वो तीनों लड़के चाहें तो एक बड़ा अमाउंट उस पेपर वाले को अगर दे देंगे तो उसका फायदा हो जाएगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? क्या सोचते हैं आप लोग, हैं? कितने पैसे चाहिए? महीने भर पेपर बांटूंगा तो कुल मिलाकर के मैं 3,000 कमा पाता हूँ। साल भर का जोड़ूं तो यही कोई कुल मिलाकर के 20,000 रुपए होंगे, और अभी मेरी उम्र 30 साल की हो रही है, तो अगले 10 साल के बाद मैं 40 साल का हो जाऊंगा। इसीलिए अगर टेबल पे 10 लाख रख देंगे तो मैं उठाऊंगा और चले जाऊंगा। 10 साल के लिए 10 लाख तो बराबर है ना, क्या? 2 घंटे के बाद आ जाना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। भरोसा करूं ना? हाँ कर सकते हो। नमस्ते। नमस्ते। न्यूज़पेपर वाला पैसा मांगे तो उसे मारकर भगाना चाहिए, उससे क्यों डरते हो? ए, जरा सोचो, ये सारी बातें वही जानता है, इस बात से तुम कंफर्म हो क्या? पहले वो जो मांगे वो हम दे देंगे, वो लेकर वो चुपचाप रहेगा तो ये बात सिर्फ वही जानता है और कोई नहीं। और उसको जो हम पैसे देंगे वो कैसे वापस निकालने हैं ये मुझे अच्छी तरह से आता है। अब तुम डरना बंद करो, ये पूरे 50,000 है, बाकी के बाद में देता हूँ।
क्या भैया, लाखों की बात हुई थी, आप मुझे सिर्फ 1000 दे रहे हैं। ठीक है, बाकी बाद में। ठीक है, बाकी बाद में देंगे, एक हफ्ते के बाद मिलना। हमारे पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद वो हमसे पैसा मांगने आया था सर। ये सिर्फ एक्सीडेंट है, अगर ये बात हम पुलिस को बताएंगे तो हमें पैसा देने की जरूरत नहीं और हम सेफ रहेंगे, ऐसा बोला था। डेविड ने गुस्सा होकर मुझे थप्पड़ मारा। मैं ये सारी बातें पुलिस को बताना चाहता था, इसलिए मैं बिना किसी को बताए यहाँ आ गया। एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? यहाँ हुआ था सर। वो देखने में कैसा था, कुछ याद कर सकते हो क्या? मैं बहुत डरा हुआ था सर उस समय, इसलिए कुछ ध्यान नहीं दिया। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारे फ्रेंड्स पूछे तो पुलिस को नहीं पता ये बताओ, बाकी मैं संभालूंगा। सर वो न्यूज़पेपर वाला, वो आइंदा तुम लोगों को तंग नहीं करेगा। सर रिलैक्स। हे आई एम कूल। हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखो। कल रात को वैष्णवी अपने अपार्टमेंट में वापस गई थी। मॉर्निंग 5:30 कार का एक्सीडेंट हुआ था और तभी श्रुति के बॉयफ्रेंड को गोली मारी गई थी सर। तकरीबन 7 बजे के आसपास वैष्णवी के अपार्टमेंट वालों ने कंप्लेंट की थी और फाइनली 10 बजे वो गायब हो गई। एक्सीडेंट होने वाली जगह पर वो न्यूज़पेपर वाला था, सो उसके मर्डर को देखने की पॉसिबिलिटी क्या है? बहुत है सर। सर नमस्ते, घर के अंदर नहीं बुलाओगे क्या? आइए सर। सर थोड़ा घर अस्त व्यस्त पड़ा है, बुरा मत मानिएगा। सर सर ये क्या कर रहे हैं सर, आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? सर आप क्या कर रहे हैं? सर सर आप क्या कर रहे हैं? घर छोटा है तो भी काफी साफ सुथरा रखा हुआ है। तुम आइंदा यहां मत रहना, पेटूपालम के पास 8 लाख में एक अच्छा अपार्टमेंट है, तुम वहां जाके शिफ्ट हो जाओ। बाकी के 2 लाख से कोई अच्छा काम धंधा शुरू करो, लाइफ मजेदार हो जाएगी। सर मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उन लड़कों को कभी भी परेशान नहीं करूंगा, मेरा यकीन कीजिए सर। ये जो शब्द है ना सच, इसका एक मतलब है यार, इसका मतलब है जैसा देखा वैसा ही बताना चाहिए। आधा हजम करके आधा बताकर उन लड़कों को धमकी देना बंद करो। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये हमें कन्विंस करो तो एक शब्द बोले बिना भी हम यहां से चले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हमें पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो बीच सड़क में बांध कर उन लड़कों को गाड़ी से तुम्हें उड़ाने के लिए बोल दूंगा। बताता हूँ सर। बताओ। पेपर लाने के लिए मैं डिपो में जा रहा था, मैंने देखा कि वहां पर एक आदमी पड़ा हुआ है। पल्लवी और रोशनी और बोथ फ्रेंड्स, उस आदमी को देखने के लिए मैं उसके पास गया सर। मैं इतना भी पागल नहीं हूँ यार। तभी मेरे सामने एक कार आकर रुकी। देख तू मुझे चिल्लर विल्लर मत बोला कर, समझाना। कार के ब्रेक लगने की आवाज सुनकर मैं उस तरफ दौड़ कर गया। तब मैंने देखा कि वो तीनों लड़के कार से उतरकर उस लाश के पास खड़े हैं और फिर उन तीनों ने उस लाश को उठाकर अपने कार की डिक्की में डाल दिया सर। मैंने पुलिस स्टेशन में सिर्फ गन के बारे में बताया था, उस एक्सीडेंट के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया था सर। जो कुछ मैंने देखा वो मैंने बता दिया सर। हाँ, तुम अपना एड्रेस राइटर के पास लिखवा के जाओ। ठीक है सर। सिर्फ पैसों के लिए मैंने उन तीनों को डराया था, मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरा आप विश्वास कीजिए। तो तुमने उस लाश को कार से नहीं निकाला? लाश निकाल कर मैं क्या करूँगा सर। तुमने पार्क में यही गाड़ी देखी थी? यही कार है सर। जब तुम स्पॉट पे गए तो वहां वो कार थी क्या? यस सर। एक कार के नंबर को ट्रेस करने में इतना वक्त लगा दिया, हम इसका भरोसा नहीं करते। चलो
कांस्टेबल राजन ने गाड़ी नंबर देकर ट्रेस करने को कहा था क्या? हाँ कहा था सर, और डिटेल्स भी मैसेज कर दिए हैं मैंने। किसको? राजन सर को। एक मिनट, एक मैसेज सेंड नहीं हुआ सर, अभी देखकर बताता हूँ आपको। गौतम सर, गाड़ी से टकराने वाले ने किलर को देखा होगा, वहां से निकलने के बाद उस कार को फॉलो करके ट्रंक में रहने वाली बॉडी को उसने निकाला होगा। मुझे भी यही लगा था सर, लेकिन वैष्णवी ने हमसे झूठ बोला और हमने जो अपार्टमेंट में देखा वो ब्लड। जो मैं बता रहा हूँ उसे विजुलाइज करके देखो, ये ही हुआ था ऐसा हम कंफर्म नहीं बता सकते, हम बता सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, यही एक तरीका होता है। यू कैन सिंपली कॉल दिस दीपक्स थ्योरी। क्रेश एंड श्रुति उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इज एंटरिंग द अपार्टमेंट। वो कौन है हम नहीं जानते, सो लेट्स जस्ट अज्यूम दैट ही इज एन एनोनिमस किलर। अपार्टमेंट में तीसरा आदमी हो सकता है, मे बी ही इज वैष्णवीज बॉयफ्रेंड, बट किलर उसे असॉल्ट करता है एंड देन श्रुति के रूम में जाकर क्रिश को मारता है। दिस एक्सप्लेन्स हिज ब्लड ऑन द वॉल एंड श्रुति इज एट द गन पॉइंट। करेक्ट उसी टाइम पर वैष्णवी घर में आती है। अगर तुमने ये बात किसी को बाहर बताई तो तुम्हें मार डालूंगा, ऐसी धमकी दी गई होगी उसे। बाकी लोगों को भरोसा दिलाने के लिए वैष्णवी को छोड़कर बाकी तीनों को गन पॉइंट पर ले गया होगा। पार्क ले जाते समय कृष्ण ने भागने की कोशिश की होगी। यू गेस्ट इट, वैष्णवी का बॉयफ्रेंड बचने के लिए पार्क के गेट को कूद कर पार कर रहा है और किलर नोज श्रुति इज अनकॉन्शियस। क्रिश की डेथ को सुसाइड जैसा फ्रेम किया है। उसके बाद जो हुआ वो हमें बताने की जरूरत नहीं। इंसिडेंट को वो न्यूज़पेपर वाला पार्क के बाहर से देख रहा है और किलर पार्क के अंदर जा रहा है। लड़कों को जाने के बाद न्यूज़पेपर वाला जल्दी जल्दी से पुलिस स्टेशन गया होगा। फैबियन को फॉलो करके किलर स्पॉट से निकल रहा है। लड़के घर के अंदर जाने के बाद कार ट्रंक से डेड बॉडी को निकालते हैं। तो वैष्णवी के बॉयफ्रेंड और श्रुति की लाशें जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं TN38AW7436 White Desire गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। That's bloody genius, sir. जो मैंने बताया ये सब लॉजिकल है ना? Yes, sir. It's very logical. ऐसा भी होने का चांसेस है सर, लेकिन इसका मोटिव? सब कत्लों का मोटिव होना जरूरी नहीं होता। आपके इन तमाम हिंट से हम उस किलर के नजदीक पहुंच गए ऐसा लग रहा है मुझे। एग्जैक्टली, हु नोज। सर, मेरी उनसे बात हुई थी सर। क्या कहा तुमने? हाँ बोलिए सर, मैं त्रिपुर बाईपास से बोल रहा हूँ सर। कोई गाड़ी की डिक्की से कुछ निकाल कर तालाब में फेंक के जा रहा है सर। डिटेल्स बताइए। कार की डिक्की से कुछ निकाल कर तालाब में फेंक के जा रहा है सर। कौन सी गाड़ी है? व्हाइट डिजायर है सर। Thank you.
कुछ दिन पहले ही कृष्ण नाम का एक लड़का भारती पार्क में रहस्यमय तरीके से मारा गया था। उसी दिन श्रुति नाम की लड़की भी गायब हो गई थी। इसका कारण मोनू नाम के एक लड़के को माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि वो श्रुति और कृष की नजदीकियां सहन नहीं कर पाया और कृष को मारकर श्रुति को किडनैप कर लिया। पुलिस अपनी तरफ से इस मोनू नाम के लड़के को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। अभी तक हम बात कर रहे थे राजन। सर आप बुरावत मानिएगा सर, मैं आपसे क्यों मिलना चाहता था ये बेटे को पता चल गया तो उसने आने से मना कर दिया सर। सर आप बुरावत मानिएगा सर। सर हेलो हेलो फाइनली, ये सवाल आपको पहले ही करना चाहिए था। वैसे आप मेरे साथ 10 साल रह चुके हैं सर, मैं कौन हूं अगर बता देता तो केस के बारे में इतनी डिटेल्स आप मुझसे कभी नहीं बताते सर। भूल कर भी कोई गलती मत कीजिएगा। hey! मैं कृष का भाई हूं। तुम लोग अंदर जाओ, जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक बाहर मत आना। जाओ। आपने उस कातिल का चेहरा अच्छी तरह से देखा होगा, लेकिन आपने पुलिस को भी ये बात नहीं बताई। हर इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये अंदर रहना चाहिए या मरना चाहिए ये जानने के बाद वो बाहर खुशी से घूमे तो उसे देखकर गुस्सा तो आएगा ही, उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते। तभी तो बहुत लोगों को जस्टिस दिलाने में मदद मिलेगी। कातिल कौन है ये जानकर भी आपने कुछ नहीं किया। Now I just need a simple answer to the simple question, understand? बताता हूँ। अगर तू मुझ पर गुस्सा है तो मेरे बताने के बाद गोली मारना। मैं तुझे बिल्कुल नहीं रोकूंगा, because basically पुलिस वालों में बहुत ईगो होता है। भीख की दी हुई जिंदगी वो कभी नहीं जीना चाहते। Moreover, ये तुम्हें जानना जरूरी है। तुम पुलिस को बिना बताए कहाँ चली गई थी? एक्चुअली सर, ऑफिस में तुरंत आने के लिए कहा था, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। उसके बाद मैंने सर का नंबर ट्राई भी किया था पर स्विच ऑफ आ रहा था, और सर के बारे में तो मुझे अभी अभी पता चला। मुझे ढूंढते वक्त ये सब हुआ था क्या सर? नहीं नहीं सर, सर वैष्णवी आई है सर। सर मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं लंच लेके आता हूँ। सर मैंने कोई गलती नहीं की है, मगर मैं आपसे एक सच बोलना चाहती हूँ। उसके बाद आप जो भी डिसीजन लेंगे वो मुझे मंजूर होगा।
एक्सक्यूज मी, आप लोग? हाय, आई एम क्रिश, श्रुति का फ्रेंड हूँ, बर्थडे विश करने आया हूँ। ओह, आई थिंक शी इज नॉट एट होम। नहीं, वो अंदर ही है, मेरी अभी बात हुई थी, शायद वॉशरूम में होगी। जस्ट अ मिनट। श्रुति, बाथरूम में हूँ। हाँ ठीक है, आप लोग कुछ लेंगे, चाय कॉफी? नो नो थैंक्स। ये कौन है? ओह, मेरा कॉलेज फ्रेंड है प्रेम। ओह, सेलिब्रेशन का कोई प्लान नहीं है क्या? किया है, पर श्रुति को इस बारे में मालूम नहीं है। राजीव इज ऑन हिज वे, यू नो, इट्स अ सरप्राइज। राजीव? या, हर बॉयफ्रेंड, वो नासिक से यहाँ आ रहा है और उसके आने के बारे में श्रुति को पता नहीं है। वैसे आप श्रुति को कैसे जानते हैं? एक ही एरिया से हैं, अक्सर हम बातें करते हैं। ओह, ओके। हे हे स्वीटी, हैप्पी बर्थडे। मनु, मैं तुमसे बुरा बर्ताव करूं, इससे पहले तुम यहां से चले जाओ। मनु, इसने तो कहा ये क्रश है। डोंट पैनिक। ए, दरवाजा क्यों लॉक कर रहे हो? मेरा नाम क्रश है। कल तुम पुलिस स्टेशन गई थी, तुम इस तरह की हरकतें करोगी ये मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुमसे मिलने के एक महीने बाद मैंने अपना नाम मोनू बताया था। आपने अपना नाम नहीं बताया? वैष्णवी। वैष्णवी, स्वीट। ओके वैष्णवी, अब मैं और श्रुति बात करेंगे, आप बाहर जाके वेट कीजिए। नहीं, जाइए। मैं तुमसे कई बार बात करने के लिए आया होगा, लेकिन तुम मुझसे बात नहीं करते थे। मैं भी ओके ओके बोलकर सहन करता रहा। आज मैं तुम्हारा बर्थडे विश करने आया हूँ। बहुत लोगों के सामने बीच सड़क पर तुमने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई थी। ओके, लेट मी बी ऑनेस्ट, आई वांट टू स्लिप विथ यू। ठीक है, मैं तो तुम्हारे साथ लव रिलेशनशिप रखने की कोशिश कर रहा था, पर शायद तुम एक आदमी के साथ रहना नहीं चाहते, यू नो, ये भी तुमसे प्यार करता है, चलेगा ना? दरवाजा खोलो। राजीव, ए, ए, दरवाजा खोलो। ओपन। राजीव, हमारा काम होने तक तू साइलेंट रहेगी तो तेरे लिए अच्छा रहेगा, समझ गई? केस इज सीक्रेट, मेरी बात ध्यान में रखना। अगर तू कंप्लेंट लेकर पुलिस के पास गई तो तेरा और बुरा हाल होगा, इसलिए नो मोर कंप्लेंट। और तुम्हारे साथ सोने में बहुत मजा आया, पहले मान जाते तो अच्छा रहता। दोस्त, अभी मेरा टर्म है। सिंपल, लेट्स टेक इट। ये वीडियो हमारे पास है ना? Thank you.
जैसे मैं बोलता हूँ वैसा करो। थोड़ी देर के बाद बगल का दरवाजा खटखटाकर बोलना कि श्रुति गायब हुई है और तुम रात 10 बजे एयरपोर्ट आ जाना और फिर तुम प्लान के मुताबिक नासिक चली जाना। उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है। ये बात किसी को भी पता नहीं चलेगी। मैंने जो कुछ भी कहा अगर उस पर आपको भरोसा नहीं है तो क्या आप ये देख लीजिएगा। जो जानना था वो सब तुमने जान लिया। अब बताओ तुम कौन हो। उस दिन मैंने एक सवाल किया था, एक वर्ड याद है? कृष के पिता ने कहा था कि वो उनका इकलौता बेटा है। टेल मी कौन हो तुम। पिछले 5 साल से सो रहे थे। मेडिकल टर्म में बोले तो आप कोमा में थे। जब एक्सीडेंट हुआ था तब ये आपकी कंडीशन थी। अब गुड न्यूज ये है कि आपकी स्किन के सारे स्कार्स मैंने ग्राफ्ट कर दिए हैं, लेकिन बैड न्यूज ये है कि हम आपका पुराना चेहरा रिटेन नहीं कर पाए और पिछले 5 साल से चुप रहने की वजह से आपकी आवाज बहुत भारी हो गई है। कुल मिलाकर बताएं तो आप खुद को भी नहीं पहचान पाएंगे। You are a new person. हॉस्पिटल में आंखें खोलने के बाद मुझे दो बातें समझ में आई। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मेरी पुरानी जिंदगी वापस नहीं मिल सकती। मेरे 24 साल, मेरे ड्रीम्स, मेरी ड्यूटी, सब कुछ आधी नींद में चले गए। मुझे क्यों बचाया बोलकर मैं डॉक्टर पर नाराज हुआ था, लेकिन इन सब से ज्यादा मैं भरोसा नहीं कर पाया और डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि द किलर इज स्टिल मिसिंग। वो न्यूज सुनने के बाद मैं पूरी तरह से बेचैन हो गया और मैं अंदर ही अंदर तड़पने लगा। तभी मुझे पता चला कि केस अभी भी ओपन है। मैं आंसर ढूंढने लगा। आप जिसे रेस्पेक्ट करते थे, एनकरेज करते थे, आपका न्यू रिक्रूट कांस्टेबल गौतम। हेलो गौतम, हिस फियर, सच में नए आदमी से बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है। अभी जो तुमने सवाल किया उसने डायरेक्ट सवाल करना था गौतम। गन मुझे क्यों दिखा रहे हो? वैसे मैंने क्या गलती की बताओ। सवाल करने के लिए मैं आपके पास 10 दिन पहले आया था। I think you had a visitor.
इस चेहरे को मैंने 5 साल पहले एक वाइट डिजायर कार में देखा था। एक्चुअली यू आर लकी सर, अभी जो मेरे हाथ में है उस वक्त नहीं था। अभी जो मैं करने जा रहा हूँ उस दिन ही खत्म कर दिया होता। मैंने आपको गन पॉइंट पे क्यों रखा ये आप समझ गए होंगे। मेरी 5 साल की जिंदगी मिटाने वाले को यह सच आप भी जानते थे, लेकिन उसके बावजूद आपने कुछ नहीं किया, ये भी एक सवाल है। बिना कारण आपको गन पॉइंट पे रखूं, इतना बुरा आदमी नहीं हूं मैं, लेकिन एक गुनहगार को बचाने वाले आप भी एक अच्छे इंसान नहीं हैं। जस्टिस इज ऑन द नीड नाउ। मैं जो कर रहा हूं इसी भरोसे से कर रहा हूं। मेरी हरकतें दूसरों को गलत लग सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगेंगी मैंने फैसला कर लिया है। अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, आपको सच बताना होगा, और कोई रास्ता नहीं है सर। बताइए जितनी जल्दी हो सके। गन ड्रॉप करो, बंदूक नीचे फेंको। देखो तुम कानून से नहीं भाग सकते, तुम गलत कर रहे हो। मेरी बात सुनो प्लीज। At least now I can die without any guilt. राजीव मेरा बेटा है।